नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन हार के बाद महागठबंधन इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि आखिर हार किस वजह से हुई है। और यही कारण है, हम आपको लगातार ये बात बताते भी रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो कम वोटों के अंतर से हारे हैं, वो अब ये बात कह रहे थे कि वो कोर्ट जाएंगे। और आज वो दिन है जब महागठबंधन के प्रत्याशी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी के हारे हुए कई उम्मीदवार आज कोर्ट का रुख करना शुरू कर देंगे। छठ पर्व खत्म होते ही मामूली अंतर से हारने वाले लगभग दो दर्जन प्रत्याशी, खासकर आरजेडी के कैंडिडेट ने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। हिलसा विधानसभा सीट से 12 वोटों के मामूली अंतर से हारने वाले आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव आज ही पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि बीते सोमवार को ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली थी। आरजेडी के एक नेता के मुताबिक महागठबंधन के तकरीबन 21 प्रत्याशियों ने फिलहाल कोर्ट जाने का मन बनाया है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशी प्लान तैयार कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान इन उम्मीदवारों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब आज से ही कई उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। आपको यह भी बता दें कि इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इधर बीजेपी और जदयू के भी तकरीबन एक दर्जन उम्मीदवार 1000 से कम अंतर से हारे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बेशक बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन आरजेडी नेताओं ने अभी तक सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। पिछले दिनों आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा के ट्वीट भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोटों से जदयू उम्मीदवार से हारे थे। भोरे विधानसभा सीट से जदयू के सुनील कुमार ने सीपीआई उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 462 वोट से पराजित किया था। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को 484 मतों के कम अंतर से हराया था। चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी के सावित्री देवी को 581 मतों से हराया था और सुमित कुमार सिंह ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते 10 नवंबर को भी मतगणना के दिन आरजेडी उम्मीदवारों के द्वारा ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्ची में मिलान कराने पर जोर दिया जा रहा था। मतगणना के 40 दिनों तक वीवीपैट और ईवीएम का डाटा संभाल कर रखा जाता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी इस दौरान कोर्ट जा सकता है और इसी का फायदा महागठबंधन के ये प्रत्याशी उठा रहे हैं। और पहले से ही हम ये लगातार बताते आ रहे हैं, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के ये जो प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं जो कम वोटों के अंतर से हारे हैं, वो कोर्ट जाने की बात कर रहे थे और आखिरकार आज से इन्होंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया। हमने शक्ति सिंह यादव की बात की आपसे, जो 12 वोटों के अंतर से हारे और उन्होंने आज हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। और आज से लगातार तेजस्वी यादव के मास्टर प्लान के हिसाब से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना महागठबंधन के इन प्रत्याशियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह होगी, देखना यह होगा कि फैसला क्या निकल के आता है, नतीजा क्या निकल के आता है। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।